सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी जो है शाम का टाइम है, बट अभी जो है मैं अपने कबूतर को नहीं निकालने वाला हूं। मतलब एक एक करके आज अपने कबूतरों को निकालेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले लाया था बूटोक्स। जब हम लोगों ने बूटोक्स लाया था तो मौसम काफी ज्यादा खराब था, बारिश का सीजन चल रहा था। बट गाइस, अब जो है मौसम बिल्कुल हो चुका है सही। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना आज अपने कबूतरों को बूटोक्स से वॉश कर देते हैं, कि कबूतरों के अंदर जो है छोटे छोटे कीड़े भी काफी ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पे है बाल्टी में पानी और यहाँ पे है बूटोक्स, तो भाई इसको फाड़ दो। अभी फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, बूटोक्स को पानी में मिक्स करता हूँ और एक जन चला जाएगा जाल के अंदर। कैसे कुछ जाने भाई देख रहा था पकड़ भैया, कुछ लगा के पतरा उतरा लगा के खोलना पड़ेगा। तो बोलना था भाई साहब, कब तक कच 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 घुमाया जा रहा हूँ। मैं वही देख रहा था कैसे खोलता है, मैं तो लगा घूम घूम के खुल जाएगा सामान। ये मेरी ऐसी मजा लेता रहता है, देख रहे हो। अब अभी बोलेगा कि काट देना, व्यूवर्स को मत बताना। मैं क्यों काटूंगा भाई, तू बोलेगा कि काट देना। यही मेरे को बोल रहा था अभी कि मैं देख रहा था तू कैसे खोलता है, सील रहता है। ये देखो गाइस पूरा। सो गाइस, यहाँ पे जो है आधा बाल्टी से थोड़ा ज्यादा पानी है, अभी इसके अंदर हम लोग बूटोक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर जो है आधा ढक्कन हम लोग बूटोक्स ऐड कर देते हैं और पानी देखो धीमे धीमे पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे जो है ये पानी के अंदर मैंने बूटोक्स को कर दिया है मिक्स। अभी जो है पानी बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर एक एक करके अपने कबूतरों को धुलाई करते हैं, जिससे कि जो भी इनके अंदर छोटे छोटे कीड़े होंगे वो सब निकल जाएंगे एंड अपने कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। जाल के अंदर एक एक कबूतर देते जाना, ठीक है। जो कबूतर साफ होते जाएगा उसको हम लोग बाहर छोड़ते जाएंगे। और गाइस, आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा कि हम लोग जो है 3 महीने पे 4 महीने पे अपने कबूतरों को कुछ इसी टाइप से बूटोक्स के पानी से वॉश करते हैं, जिससे कि जो भी उनके अंदर कीड़े मक्खी होंगे वो सब के सब निकल जाएंगे। तो आज भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया अपने कबूतरों को बूटोक्स के पानी से नहलाए हुए। लेकिन गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप से बूटोक्स के पानी से अपने कबूतर को नहलाते हो तो एक बात जो है खास करके ध्यान रखना कि जो कबूतर का आँख है, नाक है, मुंह है, उसके अंदर ये पानी एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भाई कबूतर को दिक्कत हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा पहला कबूतर है, ये जो है एक फीमेल है, काफ़ी दम लगा रही है। तो कभी कभी भी अपने कबूतर को जब आप बूटोक्स के पानी में नहलाते हो तो सबसे पहले तो भाई उसको एकदम टाइट पकड़ा करो। ये जो कबूतर का पैर है, जो पंजा है, इसको कुछ इस टाइप से पीछे और ऐसे कबूतर को पकड़ लिया करो। नहीं तो अगर आप ढीला पकड़ोगे, सोचोगे भाई कबूतर को एकदम आराम से हल्के हाथे से पकड़ूं, तो कई बार क्या होता है पानी के अंदर डुबाओगे कबूतर जान लगाएगा और अगर पानी के अंदर इसका मुंह चला जाता है, इतना जो बॉडी पार्ट है अगर ये पानी के अंदर चला जाता है तो कबूतर को दिक्कत हो सकता है। तो ये बात का खास करके ध्यान रखना, ये हाथ से एकदम मजबूती से और ये हाथ से इसका सर जो है कुछ इस टाइप से उठा के रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी आँख है, नाक है, मुँह है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाना। तो गाइस, अभी जो है इसको पानी के अंदर डिप करते हैं भाई कुछ इस टाइप से, ठीक है। और 15-20 सेकेंड जो है हम लोग को कुछ इसी टाइप से कबूतर को पानी के अंदर रखना है। और खास करके गाइस ध्यान देना कि इतना कबूतर का जो बॉडी पार्ट है, ये सर वाला, इसको ऊपर ही रखना है भाई, इसको थोड़ा भी अंदर डिप मत करना, डुबाना मत, नहीं तो कबूतर को दिक्कत हो जाएगा, मुंह में पानी होनी चला जाएगा तो भाई कबूतर एक्सपायर भी हो सकता है। तो गाइस, अभी जो है कबूतर को मैंने निकाल लिया है और कबूतर को छोड़ते समय भी एक बात खास करके ध्यान रखना कि जब आप कबूतर छोड़ोगे ना तो पानी का छींटा आएगा, अपने आँख को भी बचाना, नहीं तो अगर हमारे भी आँख में ये बूटोक्स का पानी जाता है तो हम लोगों को भी दिक्कत हो सकता है, आँख में जलन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आराम से कुछ इस टाइप से छोड़ देना है। कुछ इसी टाइप से हम लोग जो है अपने सभी के सभी कबूतरों को कर देते हैं, ठीक है।
और गाइस यहाँ पे हमारा फैंटेल कबूतर, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि पर में कीड़े होते कहाँ हैं। ठीक है, रुक जा भाई, ये देखो, ये जो आप लोग को दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सब के सब कीड़े ही हैं। इन्हीं लोग को निकालने के लिए हम लोग को बूटॉक्स के पानी में अपने कबूतरों को नहलाना पड़ता है। ये देखो, ये पूरे इसके पर में चिपके हुए हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो इसमें भी हैं, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हमारे सभी के सभी कबूतर में भी जो है छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मक्खी होते हैं। उन्हीं लोग को निकालने के लिए कुछ इस टाइप से हम लोग को अपने कबूतरों को बूटॉक्स के पानी में नहलाना पड़ता है। और गाइस कबूतर जो है हमारे पास ज़्यादा हैं, तो सभी के सभी कबूतरों को नहलाने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। फिलहाल में जो है इतने कबूतर हो चुके हैं, दिखा दे भाई एक बार। कुछ कबूतर जाल पे भी बैठे हुए हैं। सो गाइस अभी जो है हम लोगों ने अपने सभी के सभी कबूतर को बूटॉक्स के पानी से वॉश कर दिया है। अभी जो है अपने बहुत सारे कबूतर छत पे ही बैठे हुए हैं, कुछ कुछ कबूतर जाल के ऊपर हैं, कुछ इधर हैं, एंड कुछ कुछ कबूतर जो है अभी जाल के अंदर भी जा रहे हैं। गाइस अभी जो है 10 मिनट हो चुका है, एंड अपने कबूतर जो है अच्छा खासा सूख भी चुके हैं, बिल्कुल सही हो चुके हैं अपने कबूतर। और यहाँ पे है दाना, तो एक काम करते हैं कबूतरों को दाना भी डाल देते हैं भाई, आराम से ये लोग जो है यहाँ पे खाते पीते रहेंगे, आराम से खा लेंगे। और सुबह के टाइम पे तो दाना इनको मिला ही हुआ है। आओ आओ, अभी जो है अपने सभी के कबूतर एकदम प्रॉपर तरीके से सूख भी चुके हैं, क्योंकि अभी जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रहता है। मैं पेटी को कवर भी नहीं करता हूँ, रात के समय पे ऐसे ही खुले रहने देता हूँ, जिससे कि कबूतरों को थोड़ा ठंडा ठंडा हवा लगे और कबूतर मस्त रिलैक्स बैठे रहें। अभी सभी के सभी कबूतर सूख चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कबूतर जो है इस समय खुजला रहे हैं, अपने पर को जो है खुजला रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो भी कीड़े उड़े मरे होंगे उसको वो लोग पकड़ के निकालेंगे। तो भाई एक दो दिन तक कबूतर थोड़ा सा ऐसा रहेंगे, एक दो दिन के बाद जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। एंड अपने मॉर्निंग गाइस अभी जो है हो चुका है सुबह, एंड आप सभी लोगों को याद होगा कल शाम के टाइम पे हम लोगों ने अपने कबूतरों को उसके पानी में नहलाया था। आज जो है दूसरा दिन है, अभी हम लोग ऊपर भी चलेंगे एंड चेक करेंगे अपने सभी के सभी कबूतर प्रॉपर हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो है वही पानी है जिस, यहाँ पे जो है बूटॉक्स का पानी है जिसके अंदर हम लोगों ने कल अपने कबूतरों को नहलाया था। और गाइस कल जो है मैंने ये पानी को गिराया नहीं था, मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, रात हो चुका है, अभी तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में चेक करेंगे जो कीड़े हैं वो मरे हुए हैं या फिर नहीं। तो ये देखो यहाँ पे जो आपको एक मक्खी भी दिख जाएगी, ये जो गाइस मक्खी दिख रही है ना, ऐसे मक्खी भी अपने कबूतरों के अंदर होते हैं, ये भी जो है यहाँ पे मरी हुई पड़ी है। और भी छोटे छोटे जो कीड़े चिपके हुए होते हैं वो भी इसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। रुको, क्या पता भाई आप लोगों को दिख रहे हैं या फिर नहीं, एकदम छोटे छोटे से हैं। किसी भी कबूतर को किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं है, जो छोटे छोटे एकदम से बच्चे हैं मैंने उन लोगों को नहीं नहलाया था, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा अभी छोटे हैं। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे है दोनों बच्चे, इनका भी ग्रोथ जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ये दो बच्चों को भी नहीं नहलाया था, एंड जो छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं उन सबको भी मैंने बूटॉक्स के पानी में नहीं नहलाया था। यहाँ पे जो है अपने सिंगल कबूतर भी बैठे हुए हैं, और इससे पिछले वाले वीडियो में जो कबूतर हम लोगों ने पकड़ा था वो अभी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। और गाइस इसको भी जो है हम लोगों ने कल बूटॉक्स के पानी से नहला दिया था, ये अभी जो है अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका होगा, इसके अंदर जो कीड़े उड़े होंगे वो निकल चुके होंगे अभी। हालांकि कबूतर देखने में गंदा है, जब कबूतर खुद से नहान करेगा एक आध बार तब जो है ये अभी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही, अभी थोड़ी देर के बाद मैं ये लोग को दाना पानी भी डाल दूंगा, ये लोग जो है आराम से खा पी लेंगे। सो गाइस अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।